हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग के साथ सब। आई होप कि आप सारे के सारे मजे में होंगे, खैरियत से होंगे। तो गाइस, फाइनली आज ईद उल फितर है, ईद का त्यौहार है। नहावा के एकदम तैयार हो चुका हूँ और पठानी ड्रेस पहना हूँ, ये देखो, जो कि मैंने एक डेढ़ महीने पहले सिलवाई थी और आज पहन रहा हूँ। तो गाइस, कैसी लग रही कमेंट करके बताना। और गाइस, बच्चे अभी तैयार हो रहे हैं, सनाया साहिबा, असद तो नहा वहाँ के तैयार हो चुका है। सनाया और साहिबा अभी तैयार हो रहे हैं और जो है कि फ़िलहाल मुझे है ना नमाज़ पढ़ने के लिए जाना है मस्जिद में। ईदगाह हमारे यहाँ पर है लेकिन काम चल रहा है अभी वहाँ पर, मतलब नमाज नहीं होती अभी वहाँ पर, काम चल रहा है। तो मैं जाऊँगा अभी, मैं और असद हम जाएँगे अभी मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए ईद की, और उसके बाद मिलेंगे आपसे। फ़िलहाल मैं आपको है ना यहाँ का व्यू भी दिखाता हूँ, नीचे क्या तैयारी हो रही वो भी दिखाता हूँ। तो गाइस, ये प्यारा सा व्यू है, किसान भाई लोग कुछ कर रहे हैं। ये जो बांस मांस का जो पेड़ है ना, वहाँ से ये बांस काट रहे हैं शायद। ये जो बागड़ है ना गाइस, हमारे यहाँ बागड़ बोलते हैं, इसलिए मैं भी बागड़ बोलता हूँ। इसको ठीक करेंगे अब अच्छे से, ताकि ये यहाँ पर मतलब कि खेती वेती कर सके अभी। और गाइस, बाहर का व्यू भी आपको दिखाता हूँ मैं, प्यारा सा। ये एम्बुलेंस है ना, साइड वाले भाई साहब ड्राइवर है सरकारी, और ये एम्बुलेंस चलाते हैं, जिनका नाम संजू भाई है। ठीक है गाइस, निकलते हैं यहाँ से जी। हाँ, आपको भी। तो दोस्तों, अभी इनकी ना सलामी भी देना है। अभी सनाया तैयार होगी और साहिबा भी नहा रही है और असद आ चुका है। देखो गाइस, ये अगरबत्ती बुलवाई थी। हाँ, वालेकुम अस्सलाम। तो अभी हम देखो गाइस, ये असद के कपड़े कितने अच्छे लग रहे हैं और टोपी कितनी अच्छी है। दादी ये ना मेरी मम्मी ने असद के लिए लेके आए थे बाहर से, तो बहुत ही प्यारी टोपी है। असद चले अपन। हाँ, क्या करूँ, सलामी सलामी दो। अभी नमाज बाद देते हैं ना बेटा। गाइस, साहिबा है ना, सनाया है ना, सलामी मांग रही है, अभी नमाज बाद देते हैं। साहिबा बहुत रो रही है, नहाती है तो रोती है ना। एक बार टोपी मेरे को पहन के देखने दिला। तुमको नहीं आएगी वो, मेरे को तो टाइम। गाइस, टोपी देखो कितनी प्यारी है, लेकिन छोटी है। एक और एक सनाया को पहना, नहीं नहीं पहन के देखने से कैसी। तो गाइस, ये सिरकुरमा है, इस पे फातिया देना है और बच्चों को पिलाना। तो गाइस, हम नमाज के पास जाएंगे दादी के यहाँ, और अभी पापा फातिया दे रहे हैं, तो अभी आपको दिखाता हूँ फातिया दे रहे हैं। हम दादी के यहाँ जाएंगे तो अभी फातिया दे देते हैं, उसके बाद फातिया दे दिए, अब सिरकुरमा खिलाएंगे। अभी ये सुनाया साहब को देते हैं। चलो
मुबारक हो। तो गाइस ईद की नमाज हो चुकी है और हमारे जो दोस्त लोग आप सभी को ईद मुबारक बोल रहे हैं। मेरी आईडी है जावेद लाला बताया। तो ठीक है दोस्तों अभी घर पर निकलते हैं। तो गाइस सनाया साहब को देखो तैयार हो चुके हैं। वालेकुम अस्सलाम। और ये मेरी प्यारी बेटी देखो साहिबा सलाम करो। वालेकुम अस्सलाम। कितनी प्यारी लग रही है देखो, गुड़िया बिल्कुल गुड़िया जैसी लग रही। साहिबा सलामी नहीं मांगेंगे? सलामी तो हाँ देते हैं ना। ईद मुबारक ये सनाया के गले मिलो। अभी बन रही है सिवैयां और साथ में कुछ और भी बन रहे हैं, समोसे बन रहे हैं, पापड़ वगैरह भी बन रहे हैं, भजिए भी बन रहे हैं। वालेकुम सलाम। गाइस वाइफ ने सलाम किया, इनको सलामी देना पड़ेगी। ईद मुबारक। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक हो। ये 100 रुपए? 100 रुपए नहीं तो कितने? तुम 200 रुपए दो। तो गाइस वाइफ 200 मांग रहे हैं, अभी 200 देते हैं इनको। ये लो खुश। अच्छा नोट देख लो। ठीक है ठीक है। वो बच्चों को दे दी मैंने ना। दूसरों को भी दे देना। हाँ को नहीं, और बच्चों को भी, दूसरे बच्चों को भी दे देना। तो बेटा सभी बच्चों को। भतीजे कितने अपने? भतीजिया सभी जो की सलामी हमको है ना, हमारे भतीजी भतीजिया बहुत सारे हैं, उनको सबको देना है। नवलपुरा में सबको देना है और हमारे जो मामू जाने उनके बच्चों को भी देना है। हम नवलपुरा जाएंगे कुछ देर के बाद। और गाइस आज पड़ोसियों को हमको सिवैयां बांटना है और ये सब मतलब कि जो खाना है ये बांटना है। तो थाली तैयार कर दो इशरत। तो गाइस हमारे एक गांव से दादा आए हैं हमसे मिलने के लिए, ईद मुबारक बोलने के लिए। ईद मुबारक हो आपको। दोस्तों मुंबई से एक सब्सक्राइबर जिनका नाम इमरान भाई है, उन्होंने भी हमारे लिए एक मैसेज पहुंचाया है, तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया, उनको भी ईद मुबारक बहुत बहुत। आप देख लीजिए मैसेज। अस्सलाम वालेकुम अफजल भाई, हमारी फैमिली की तरफ से आप सबकी फैमिली को ईद मुबारक। अल्लाह हाफिज। ये हमारे जो पड़ोसी है उनके यहाँ देना है हमको। ठीक है दिया आते हैं। तभी दादा के घर देने के लिए जा रहा हूँ। ये है ना सलाम करो नानी को। तो गाइस इनकी नानी है ना, इनको सलामी दे रहे हैं। सबसे पहले साजिद को, असद को दिए, सनाया को और शायबा को। साहबा कितने पैसे हो गए आपके पास? हाँ मम्मी को मत देना, मेरे को देना है। नहीं साहिबा अपने अपने गले में डाल देना है। साहिबा है ना सनाया के पास पैसे रख रही है। बहुत भूख लग रही है, अभी हम भी नाश्ता कर लेते हैं। ये देखो बच्चे सब नाश्ता कर रहे हैं और साजिद भी आया है और साजिद को सलामी भी दे दी है ना साजिद। हाँ तो दोस्तों अभी हम नाश्ता कर लेते हैं। तो गाइस असल में ईद जो है कि बच्चों की होती है और बच्चों की खुशी के लिए होती है। एंड दोस्तों मैं जा रहा हूँ मेरे पापा के यहाँ पर, बच्चे भी जाएंगे फैमिली भी जाएंगी, तो हम इस वीडियो का एंड भी कर देते हैं ना बच्चों। तो गाइस आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आती रहे और आप सदा मुस्कुराते रहे, यही दुआ करते हैं। और एक बार फिर से आप सभी को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद शुभकामनाएं। तो हमारी तरफ से ईद मुबारक। और गाइस एक बात और, फैमिली वालों को भी बुलाना है यहाँ पर, और दद्दू को बुलाना है, डेरा दादा को बुलाना है, लेकिन वो आप कल आएंगे, अभी हम वहाँ बड़े घर जा रहे हैं। तो इस वीडियो का एंड कर देते हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को ऑन कर देना ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आता रहे। तब तक गुड नाइट बाय। गाइस गुड नाइट कर रही है। गुड मॉर्निंग कर दे बाय। नेवर।